नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल टेक्निकल भटनागर। आज जो तीन अपडेट आई हैं वो तीनों अपडेट ही बहुत बढ़िया हैं। पहली अपडेट है भैया कि क्रिएटर स्टूडियो जो है वो पूरी तरह से चला जाएगा और कहीं ना कहीं कुछ भी उसमें नहीं बचेगा। अब यार क्रिएटर स्टूडियो जो चाह रहा है ना पुराना वाला, ये बड़ा मज़ेदार है। मज़ेदार इन द सेंस ऑफ कि आपने पहले ही उसमें सारी चीज़ें तो छीन के बैठे हो, हैं? आप ऑफिशियली कह रहे हो, पिछले दो साल से ढिंढोरा पीट रहे हो कि क्रिएटर स्टूडियो जा रहा है, क्रिएटर स्टूडियो जा रहा है। गया तो अब तक नहीं, लेकिन चलो अब कह रहे हो तो मान लेते हैं कि जाएगा। तो भैया जो लोग क्रिएटर स्टूडियो क्लासिक इस्तेमाल कर रहे हैं वो अब उससे बाहर आए और जो है कहीं ना कहीं कुछ नया सोचें। और नया जो स्टूडियो आया जिसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी मैंने ऑलरेडी, वो थोड़ा सा आप इस्तेमाल करना सीख लें, क्योंकि अब आपको उसका हैबिचुअल होना पड़ेगा। तो पहली अपडेट तो यही है कि क्लासिक स्टूडियो टाटा बाय बाय। नया जो अपडेट है वो है स्टोरी के ऊपर। और मुझे लगता है कि ये स्टोरी का जो अपडेट आया ये अभी भी कंप्लीट नहीं है। पहले इन्होंने स्टिकर दे दिया, अब बोल रहे हैं कि स्टिकर को जैसे कोई क्लिक करेगा तो आपकी वीडियो पर जम चला जाएगा और कहीं ना कहीं आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। सुनने में अच्छी है, चीज़ अच्छी है, अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होती है, क्योंकि स्टोरी की जो रीच होती है वो बहुत बढ़िया होती है। लेकिन यहाँ पर दो सवाल उठते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि आपकी स्टिकर पर कोई क्लिक करेगा, यानी कि आपकी वीडियो पर कोई क्लिक करेगा और आपकी व्यूज़ आपको काउंट हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरे को मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे इंस्टाग्राम पर 10,000 जिनके पूरे हो जाते हैं उनको स्वैप अप का ऑप्शन मिल जाता है, तो यार वो भी तो दे दो। इसको अभी भी तुमने 75% ही दिया है, इसको 100% अगर आपने करना है तो आप इसको स्वैप अप वाला ऑप्शन भी दो, जिससे अगर किसी को पर्टिकुलरली कोई वेबसाइट या पर्टिकुलरली कोई चैनल का अपना प्रमोशन करना है या किसी मर्चेंटाइज का कोई प्रमोशन करना है तो वो स्वैप अप करके तो कर सकेगा ना। तो इस बात में अगर आप दम है मेरी तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि क्या स्वैप अप वाला ऑप्शन जो है वो स्टोरीज के अंदर अभी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हालांकि अब जो अपडेट है वो यही है कि अगर आप अपनी वीडियो को लगाते हैं तो जैसे ही उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो आपकी वीडियो पर चला जाएगा और कहीं ना कहीं आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। तीसरा और लास्ट अपडेट कुछ खास अपडेट नहीं है। अगर आप एक एंड्रॉयड यूज़र हैं तो एंड्रॉयड यूज़र को ज्वाइन का बटन ऑलरेडी पहले से दिखता था, iOS वाले को नहीं दिखता था। अब वो iOS वालों को भी ज्वाइन का बटन जो है वो दिखने लग जाएगा। भगवान जाने या YouTube जाने कि ये जो हीन भावना वाली बातें थी कि iOS वालों को हम नहीं देंगे ज्वाइन का बटन और एंड्रॉयड वालों को दे देंगे, तो ये क्यों थी, क्या थी, ये तो खैर अब YouTube बता सकता है इस बारे में। लेकिन आज का मेजर अपडेट यही है कि जो स्टोरी फीचर है उसको थोड़ा सा अपडेट कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है और कहीं ना कहीं कुछ नई चीज़ें YouTube में आपको देखने को मिल रही हैं। अब व्यूज़ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये तो भाई आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल तो उम्मीद रख सकते हैं कि व्यूज़ बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे तो पैसे बढ़ेंगे और पैसे बढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे इक्विपमेंट खरीदेंगे और अच्छी वीडियोज़ बनाएंगे। तो ये सीरीज़ चेंज चलती रहती है। कैसी लगी वीडियो जो बताओ कमेंट करके। टेलीग्राम पर ग्रुप बना रखा है और कहीं ना कहीं उसके थ्रू मैं आप लोगों की वीडियोज़ को भी प्रमोट कर देता हूँ। और कहीं ना कहीं आप लोग मुझसे कम्युनिटी पोस्ट में मत कहा करो डालने के लिए। और दूसरा, योगी की नंबर मत मुझसे मांगा करो। योगी मेरा भाई है, सब कुछ है, लेकिन प्रोफेशनल ज़िंदगी में एक दूसरे के नंबर्स शेयर नहीं किए जाते। तो पहली बात तो ये है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, कोई दिक्कत आती है यूट्यूब से जुड़ी हुई तो पूछ सकते हो वहाँ पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कुंवारी वीडियोस को देखकर उसको शेयर भी कर पाऊँ। तो मैं क्योंकि मेरा ये रहता है कि वीडियोस आपकी शेयर भी करूँगा तो आपका भी फायदा मेरा भी फायदा कि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताओ कमेंट करके। इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को बजा दो। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में।